जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तकरीबन एक मंथ पहले इस स्टॉक के बारे में इस चैनल पर बात हुई थी, लेकिन आज इसके बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो तेजी देखने को मिल रहा है आपको, तकरीबन 2% के आसपास स्टॉक का चढ़ा है, ये एक सस्टेनेबल तेजी है और अब माना जाएगा कि इसके बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, कम से कम जब तक कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर नहीं आते हैं। कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, चाहे जो इसका इन्वेस्टर से या जो नए व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो क्योंकि एक प्रकार से कह सकते हैं क्वार्टर थ्री का नंबर पर ही आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी की मजबूती, कंपनी की नींव टिकी हुई है। तो मैं यह भी बताऊंगा क्वार्टर थ्री का नंबर कब आएगा, कैसा आएगा। उसके पहले हम लोग चलते हैं बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ है और जैसे इस पे हमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक आज 16 जनवरी और 16 जनवरी को अपर सर्किट टच किया है और ये अपर सर्किट मुझे लगता है सस्टेनेबल रहेगा, कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा ताकि स्टॉक में तेजी आए और चार्ट पर भी ये संकेत देखने को मिलने लगे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि चूंकि जीजी इंजीनियरिंग जो स्टॉक है अभी ईएसएम की कैटेगरी में चल रहा है, ईएसएम मतलब एनहांस सर्विलांस मेजर, सेबी की निगरानी है इस स्टॉक में, सेबी को ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ी है जिस वजह से सेबी ने इस स्टॉक को ईएसएम की कैटेगरी में रखा है और इसमें भी स्टेज टू है, स्टेज फोर तक होता है। जैसे जैसे निगरानी बढ़ाई जाती है जांच पर करने के लिए तो स्टेज के बढ़ते जाते हैं, स्टेज थ्री स्टेज फोर हो जाता है। तो अभी आप इसको बाई सेल नहीं कर पा रहे होंगे इस स्टॉक में, बाई सेल करने में भी परेशानी आ रही होगी यहाँ पर, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, क्वार्टर थ्री के नंबर तक आप वेट कीजिए। उम्मीद रहेगा कि कंपनी में ये जो ईएसएम स्टेज की कैटेगरी में है स्टॉक उससे बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए देखिए कंपनी का जो ट्रेडिंग विंडो है क्लोज दिया गया था 30 दिसंबर को और उसके बाद 12 जनवरी को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ, क्लोजर विंडो बंद हो जाता है तो उसके तकरीबन एक मंथ के अंदर ही कंपनी के क्वार्टर के नंबर आते हैं, इसका ये मतलब होता है। तो कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर अब जल्दी आने जा रहे हैं, आप ये मानकर चलिए, मुझे उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को हम स्क्रीन वेबसाइट पर समझेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा काम के बारे में आपको बता दूं, तो जो कंपनी काम करती है आयरन एंड स्टील मेटल्स बनाती है, यानी कि मेटल के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। आज देख सकते हैं लॉयड स्टील जो कंपनी है उसका प्राइस ₹1 से कर आज ₹35 करीब ट्रेड कर रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि लोहे स्टील स्टील के सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां उसके शेयर प्राइस में हमेशा तेजी रहेगी ही रहेगी और ये भी उस तरह का एक स्टॉक बन सकता है क्योंकि इस कंपनी का जो काम है, काम तो मैंने बताया, थोड़ा सा फंडामेंटल डिस्कस करें तो तकरीबन 200 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है और स्टॉक का पीई काफी शानदार है। साथ में पी के हिसाब से देखेंगे वैल्यूएशन वाइज स्टॉक का प्राइस भी ठीक है और बुक वैल्यू से भी ज़्यादा है। सबसे कमाल की बात है कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और आरओई है और आरओसी है, ये दोनों कमाल का है, डबल डिजिट में, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कम से कम 10% रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। तो ओवरऑल जब कंपनी का काम और जब कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया है तो जाहिर सी बात है कि लंबी अवधि में इसमें तेजी बनेगी ही और ये तेजी कहीं ना कहीं आपको दिखने भी लगी है। टेक्निकल डाटा ये बोलता है, एक साल के चार्ट पर मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ से देखिए जब ये स्टॉक इस लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है तो आप जानते हैं कोई भी स्टॉक जब कंसोलिडेट करता है तो कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद प्राइस कहां जाता है, प्राइस ऊपर जाता है। तो यहां से भी प्राइस ऊपर आने के चांसेस हैं। अभी देखिए अभी जो स्टॉक का प्राइस है एकदम अपने सपोर्ट लेवल के पास है, सपोर्ट लेवल के पास आकर देखिए यहां से उठना शुरू हुआ है और ये उठेगा और जल्दी इसको ब्रेक करेगा और एक बार ₹3 के लेवल को ब्रेक किया तो सीधे स्टॉक का प्राइस ₹5 या ₹6 के लेवल तक आपको इजीली आते हुए दिखेगा क्योंकि बीच में इसका दूसरा कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है। ये जो ग्राउंड देखने को आपको मिल रहा है ये ग्राउंड इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, इंस्टीट्यूशन ने किसी बड़े पार्टी ने सेलिंग किया था जिस वजह से ग्राउंड देखने को मिले। हालांकि पेन स्टॉक में ये आम बात है, अभी कुछ दिनों में ये स्टॉक का प्राइस फिर से आपको इसी लेवल के आसपास जाते हुए दिखेगा तो यहां तक जाने के लिए आप तैयार रह सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट को यदि डिस्कस करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप पाएंगे कि कंपनी के जो नंबर्स आ रहे हैं सेल्स की यदि बात करें तो जो जून क्वार्टर रिजल्ट आया था वो कुछ खास नहीं आया था, मतलब पिछले क्वार्टर मुकाबले बढ़िया नहीं आया था, लेकिन जो अभी क्वार्टर थ्री के नंबर आने वाले हैं वो काफ़ी बढ़िया आएंगे, उम्मीद के मुताबिक अच्छा ही आएंगे, मैं आपको यकीन के साथ ऐसा कह सकता हूँ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, जाहिर सी बात है क्योंकि सेल्स कम हुआ था, तो सेल्स कम हुआ था तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आप वेट कीजिए क्वार्टर थ्री के नंबर का, आपको सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हुए दिखेगा और ये जिस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है उसमें हमेशा मतलब डिमांड रहेगा और जाहिर सी बात है जिस चीज़ का डिमांड रहेगा उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो इसमें देखेंगे प्रमोटर्स नाम मात्र के हैं, जैसे कि सामान्यतः पेन स्टॉक में होता है प्रमोटर्स गायब होते हैं और पब्लिक के पास ही मैक्सिमम शेयर्स पड़े होते हैं, तो यहाँ पर भी पब्लिक के पास ही मैक्सिमम शेयर्स है तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग आपस में बाय सेल करके इस कंपनी के शेयर्स को उठाएंगे, बेसिक बीच में बस कोई ऑपरेटर इसको ट्रैप ना करे, ट्रैप हम अपनी गलती से होते हैं, यदि हम बच कर रहे हैं सावधानी काम पर तो ट्रैप नहीं होंगे। तो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड काम की बदौलत भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, बस आपको वेट करना है क्वार्टर थ्री के नंबर आ जाए, क्वार्टर थ्री के नंबर जैसे आएंगे और अच्छे आएंगे तो जो कंपनी अभी ईएसएम स्टेज में है उससे बाहर आ जाएगी, फिर आप इसमें बाय सेल भी कर पाएंगे। इससे रिलेटेड मतलब इससे स्टॉक से रिलेटेड और कोई सवाल है आपके मन में जो मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, दोनों जगह बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।